हाँ जी बेटा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अबाउट द सिस्टम ऑफ आर ऑर्गेन्स, दैट इज हार्ट। ठीक है, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गेन ऑफ योर बॉडी। हार्ट से सारा रिलेटेड आपका वर्कआउट होता है। व्हेन एवर वी आर डूइंग एनी एक्टिविटीज, ठीक है, हमको जो ब्लड प्योरीफाई मिलता है, ठीक है, इन्फीरियर वेना कोवा, सुपीरियर वेना कोवा, डिफरेंट आर्टरीज, हार्ट में आपके डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये आपको पता है ना। हार्ट का जो, हार्ट इज द मेन, उसका जो मेन रोल होता है, और इसके जो चैम्बर्स होते हैं फोर होते हैं, फोर इसमें आपके वल्व होते हैं, देन मेन इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है वो डिफरेंट आर्टरी से आपकी बॉडी में जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं जहां से ब्लड ट्रेवल करता है, आपका हार्ट पंप करते हैं, दैट इज योर ब्लड प्रेशर, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कितना होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 120 and 80। हाँ जी, 120 and 80। एंड पल्स रेट? नहीं सर, वो नहीं पता। पल्स कितनी होती है नॉर्मल, जो हेल्दी पर्सन होता है? भाई ये तो आपको पता होना चाहिए बेटा, दैट इज 72। ठीक है, 72 बीट पर मिनट, जो आप नॉर्मल हेल्दी हम जिसको बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, दैट इज अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो वो हमारा जो हेल्थी पर्सन का होता है 120 80 होता है, जो आपकी इसको इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसी में आपकी पल्स रेट आ गई, दैट इज 72। देन मेन क्या होता है आपका हार्ट का, जो इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम है, चैम्बर आपके फोर हो गए हैं, फोर आपके उसमें वल्व होते हैं, ठीक है, जहां से वो आपका राइट एट्रियम होता है, वहां से अगर जब आपका ब्लड निकलता है, ठीक है, जो वल्व वहां पे होते हैं उसको हम ट्राइकोस्पिड वल्व कहते हैं। फिर वहां से आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, उसको हम ट्राइकोस्पिड वॉल्व बोलते हैं, पल्मनरी वॉल्व बोलते हैं। देन लेफ्ट में ओरिकल में जाता है मिट्रल वॉल्व, और फिर ओरोटिक वॉल्व से मेन वो आपका थ्रू आर्टरीज थ्रू आउट बॉडी में जाता है। द मोर ऑक्सीजन द मोर यू हैव एनर्जी। ठीक है, जितना ऑक्सीनेटेड ब्लड, जितना ज्यादा ब्लड आपका बॉडी में जाएगा, आपके मसल्स में जाएगा, तो आपको उतनी ही स्ट्रेंथनिंग मिलती है, उतना ही आपका बॉडी में एनर्जी आएगी। समटाइम यू हैव सीन इन द केस ऑफ ब्लड डोपिंग, आपको पता है व्हाट इज डोपिंग? सर, यूज ऑफ स्टीरॉइड्स और अदर पिल्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। हाँ जी, दैट इज स्टेरॉइड मीन्स की एनी केमिकल, एनी सब्सटेंस टेकन बाय एनी एथलीट टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, दोज हु आर बैंड बाय ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, वर्ल्ड जो आपकी एजेंसीज होती हैं, एंटी डोपिंग एजेंसीज, ठीक है, वाडा उसको हम बोलते हैं, वो आपके सारे बैंड होते हैं, उसमें स्टेराइड है, नारकोटिक्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है, बहुत से ऐसे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ड्रग्स हैं जो बैन होती है टोटली। यही मैं आपको इसलिए पूछा, आपको जो ब्लड डोपिंग है, ठीक है, ये ब्लड डोपिंग वो क्या करते हैं, फ्रेश ब्लड, मोर ऑक्सीनेटेड ब्लड वो इंजेक्ट कर लेते हैं बॉडी में बिफोर कॉम्पिटिशन। ठीक है, उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो ये भी मेन रीजन होता है। अब इसके हम इफेक्ट में सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, मेन क्या है, फंक्शन हार्ट का ही है, सिंपल है। व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज, डेली हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं,
बेटा नेचुरली अगर हम डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हमारा हार्ट क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा, हमारे हार्ट का जो साइज होगा, ठीक है, शेप होगी, वो स्ट्रांग होगी, वो इंक्रीज होगी। आप कोई भी एक्टिविटीज अगर आप करते हो, अगर आपका बॉडी का पार्ट आप यूज कर रहे हो, इट्स अ मेथड ऑफ यूज एंड डिसयूज। इफ यू आर यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, डेली आप उसको यूज कर रहे हो तो नेचुरली वो स्ट्रेंथनिंग होगा। एज द एग्जाम्पल ऑफ इफ वी आर यूजिंग आर राइट हैंड मोस्टली, सो दैट्स वाई आर राइट हैंड इज मोर स्ट्रांग, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। क्यों? हम शुरू से राइट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट। बट वेन यू आर प्लेइंग एनी गेम जस्ट लाइक ए फुटबॉल, आपने देखा होगा फुटबॉल में लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होते हैं प्लेयर्स के, ठीक है, वो उनको इम्प्रूव करने पड़ते हैं कि ये नहीं कि आप राइट हैंडेड है आप राइट से किक करोगे। समटाइम देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन, यू हैव टू हिट द बॉल फ्रॉम द लेफ्ट लेग, नो डाउट यू आर अ राइट हैंडेड, आप राइट आपका स्ट्रांग है, बट ये क्वालिटीज भी आनी चाहिए। तो सिंपल है बेटा, अगर हम अपनी बॉडी पार्ट को प्रॉपर यूज करते हैं, ठीक है, वो आपका अच्छी तरह वर्क करता रहेगा और आप में एफिशिएंसी आपकी बनी रहती है। तो मसल्स का क्या होता है, हार्ट का साइज ऑफ द हार्ट एंड शेप, ये दोनों इंक्रीज होती हैं, स्ट्रेंथनिंग उनको मिलती है। और एज यू नो, अगर आपका हार्ट का साइज शेप बढ़ रहा है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। इसमें फिर जो मेन आपको मैंने बताया था, भी पूछा था, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, ये जो मेन रीजन है आपका, स्ट्रोक वॉल्यूम का बहुत ज्यादा रोल होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ये दो बेटा मेन चीजें हैं जो आपके हार्ट से इसका डायरेक्ट रिलेटेड है। स्ट्रोक मींस बेटा, इसको सिंपल आपको पता होना चाहिए, इन वन कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रोक मींस कि जब हमारा हार्ट पंप करते हैं, ऐसे पंप कर रहा है, तो सिंगल वन स्ट्रोक में अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इज दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, इन वन मिनट अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज है और इसका बहुत ज्यादा रोल है। द मोर यू हैव अ स्ट्रोक वॉल्यूम, द मोर यू हैव अ कार्डियक आउटपुट, व्हाट हैपेंड, आपके जो ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है, और जिनका स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है बेटा, उनकी जो पल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं पल्स रेट, वो बिलो 72 होती है। ये अपने नॉर्मल बोलिए कि नॉर्मल आपकी 72 होती है, बट इफ यू हैव अ मोर कार्डियक आउटपुट, मोर स्ट्रोक वॉल्यूम, नेचुरली आपकी जो पल्स होगी वो 72 से बिलो होती है। और मोस्टली बेटा जो वर्ल्ड क्लास के लॉन्ग डिस्टेंस के रेसर्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, ठीक है, जहां पे हाई लेवल ऑफ एंड्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, समटाइम यू हैव अ सीन द प्लेयर्स दोज हु हैव अ बिलो देन 60, ठीक है, 60 के आसपास है, वो क्यों है, क्योंकि दे आर अ हाईली ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई उनकी पल्स भी कम होती है, और इसका आपका स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रोल है। जितना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, उतनी आपको ऑक्सीजन वाला ब्लड आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। देन इफ वी आर डूइंग डेली एक्सरसाइजेस, आपका हार्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, फिर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। आपका एनर्जी स्टोर, जो इंक्रीज इन द स्टोर ऑफ एनर्जी, जिसका बहुत ज्यादा रोल है आपका, ठीक है। एनर्जी अगर आप में होगी तभी आप वर्कआउट कर सकते हो, तभी आप कोई भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आपको कोई वर्कआउट दिया जाता है। इफ यू हैव अ मोर एनर्जी स्टोर इन योर बॉडी, यू विल डू दैट एक्टिविटी फॉर लॉन्गर पीरियड। आपको हम कोई भी गेम खिलाते हैं, अगर आप में एनर्जी ज्यादा होगी, नो डाउट
ठीक है, एक स्टेज पे तो सारे खेल लेते हैं, बट फॉर द हाई लेवल व्हाट वी नीड अ मोर एनर्जी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना, जब हम थक जाते हैं कोई एक्टिविटीज करते हैं, सम टाइम जो बिगनर्स होगा वो बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है, बट दोज हु आर हाईली स्किल्ड होगा, उसको नॉर्मल जो एक्टिविटीज करेंगे आप, ऐसा लगेगा कि वो उसने कोई वर्कआउट ही नहीं किया। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल है, इफ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैक, तो हम वन राउंड जब कंप्लीट करते हैं ग्राउंड में, ट्रैक में, तो हम दो बार, तीन बार, चार बार रुक जाते हैं, वी कैन नॉट कंटिन्यू 400 मीटर, इवन 400 मीटर, ठीक है। तो जो डेली वर्कआउट कर रहे हैं, जिनका डेली का वो काम है, वो 5 राउंड लगा के, 10 राउंड लगा के भी आपको नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम जिसको बोलते हैं सांस चढ़ गया है हमारा, जो बिगनर्स होगा उनको आप ये सिचुएशन में नहीं देखेंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर एडेप्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज, दे आर डूइंग डेली दैट एक्टिविटीज, तो उनकी बॉडी एडेप्ट कर लेती है, ठीक है, लोड को, तो देन देर इज ए नो फैटीक। ये आपका रिलेटेड टू आ गया हार्ट से, जितने भी आपका कार्डियक से रिलेटेड, मोर यू हैव अ स्ट्रेंथ, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, एनर्जी, देन स्टोरेज ऑफ योर एनर्जी इंक्रीज, इंक्रीज इन द ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये सारी आपसे कार्डियो से रिलेटेड हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। देन आपका इसी में आ गया रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी से क्या है, रेस्पिरेटरी में बेटा मेन क्या होता है आपका, लंग्स, इसमें सारा सिस्टम जो आपका रेस्पिरेटरी में ब्रीदिंग का है, दैट इज टोटली आपका ब्रीथिंग से लेके हैं, लंग से लेके हैं, ठीक है, मोर ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, ठीक है, उतनी आपके बॉडी में एनर्जी आएगी। और जो आपके मेन जो मसल्स होते हैं बेटा, आपको ये पता होना चाहिए, व्हेन वी आर डूइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपके जो मेन मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी पता होना चाहिए, इंटरकोस्टियल मसल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, यहीं से हमने इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो मेन जो मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए, दैट इज इंटरकोस्टियल मसल्स एंड डायफ्राम। इसमें आपका बेसिक्स क्या इफेक्ट होता है, इसमें आपकी टाइडल कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं। अगर आप लंग्स से रिलेटेड, आपका लंग्स क्या होगा, लंग्स स्ट्रॉन्ग होगा, लंग्स में हमारे छोटे छोटे से होल होते हैं, डिफरेंट वॉलीज होती हैं, और वो मैक्सिमम हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वो यूज करेगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेगा, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन इनहेल करेगा उतना उसको बॉडी में एनर्जी स्टोर रहेगी। तो मेन आपका क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, TIDAL, लंग से रिलेटेड TIDAL, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम मींस कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल, ठीक है, जो हम इनहेल करते हैं एक बारी एक सांस में और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी एट रेस्ट पोजिशन, हम जो नॉर्मल पोजिशन पे, हम रेस्ट पोजिशन पे जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, कई बहुत ज्यादा इनहेल करते हैं, कईयों का कम होगा, आपने देखा होगा दोज हु आर अस्थमेटिक, ठीक है, उनको जिसको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम होती है, दे हैव अ डिफिकल्टी इन इनहेल और एक्सहेल, उनको ऑक्सीजन की जब कोई डिफरेंट वेदर कंडीशन होती है, जहाँ डस्ट हो, स्मोक हो, दे हैव अ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, दैट इज ड्यू टू देयर, ये लंग से रिलेटेड सारा काम होता है। तो अगर हम जितना भागेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी ज्यादा लंग्स की एल्वोलीज, जो छोटे छोटे होल बंद भी है, वो भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है, उससे हम ज्यादा एयर हम ले सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ना, योगा में भी आपका प्राणायाम में सारी जितनी भी आपको प्राणायाम से रिलेटेड डिफरेंट क्रियाज करते हैं, जितने भी आपने योगा से रिलेटेड जितने बड़े बड़े ऋषि है, जो भी आपके योगा एक्सपर्ट्स है, यू हैव सीन देम, वो अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, ब्रह्मारी, भस्त्रिका, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम,
उन्होंने देखो अपने प्राणायाम ब्रीदिंग पे ही सारा कंट्रोल किया होता है। तो टाइडल वॉल्यूम और एक होता है वाइटल VITAL। टाइडल मींस इनहेल एक्सहेल इन अ नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में, ठीक है। वाइटल हो गया आपका इनहेल एक्सहेल विद मैक्सिमम एफर्ट, इसमें आपने इनहेल करना है कि जितना आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। वो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर कैपेसिटी कितनी है आपकी इनहेल करने की और एक्सहेल करने की, तो दैट इज कॉल्ड योर टाइडल एंड वाइटल कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना आप अपना, आपने देखा होगा अभी भी कोविड टाइम में देयर इज अ डिफरेंट, आपको वीडियोस वायरल हुई होगी जिसमें आपको व्हाट्सएप में उन्होंने कहा कि आप हाउ लॉन्ग यू अपना सांस को कितनी देर स्टॉप कर सकते हो, देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक। आप इनहेल कर रहे हो, आपने लंबा सांस लिया, देन काउंट द टाइम हाउ मेनी सेकेंड यू आर होल्डिंग। उसमें मोस्टली आपके जो एम्स के भी डायरेक्टर हैं, जो आपके अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, वो भी बोलते थे कि आपने घर पे ये प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जो मेन प्रॉब्लम ही लंग्स की इसमें कोविड में आपको लोगों को आई है। तो इफ यू आर डूइंग डेली एक्सरसाइजेस यू कम टू नो दैट योर लंग्स इज वर्किंग प्रॉपर, आपका लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। आप 40 सेकेंड तक अगर आप रोक रहे हो, ठीक है, अपने सांस को आप होल्ड कर रहे हो, तो इट मीन इट इज ए गुड। इफ यू आर डूइंग डेली प्रैक्टिस तो क्या होगा, यू कैन इंक्रीज अप टू 1 मिनट। अगर आप डेली प्रैक्टिस करो, आप अपने आप देखना, आप 1 मिनट तक आराम से रोक सकते हो, मोर देन 45 सेकेंड ईजली यू कैन डू दिस बाय टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ, लंबा सांस लेना, देन काउंट, अपने टाइम देख लो, काउंट करो एंड देन होल्ड देयर, ठीक है। तो ये चीजें एक्सरसाइज ही होती है कि वाइल यू आर यूजिंग, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, फिर उसमें आपको नॉर्मल जो पल्स रेट है मेन, बेटा इसका क्या होता है, व्हेन वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइजेस व्हाट हैपेंड, हमारी जो, जब हम नॉर्मल पल्स रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, आफ्टर डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हम कोई भी विगोरस एक्टिविटीज स्ट्रेनियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हमारी पल्स बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। समटाइम इफ यू आर, वी आर डूइंग अ हाई इंटेंसिटी वॉल्यूम एक्टिविटीज, जहां पे बहुत आपको ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, तो योर पल्स आपकी 180 प्लस तक जा रही है, तो क्या होता है, आपका जो रिकवरी होता है, जो रेस्टिंग टाइम होता है, वो नॉर्मल पर्सन में बहुत ज्यादा होगा। जैसे हमने देखा होगा, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं, तो इट विल टेक टाइम टू, क्या होता है, आपका टेम्परेचर डाउन होने में, आप एकदम थक के आते हो, ऐसे लंबे लंबे सांस लेते हो बड़ी देर तक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि आपका रिकवरी, जो ट्रेन पर्सन होगा उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अगर उसने कोई भी एक्सरसाइज की एक्टिविटी आए, जस्ट ही रिलैक्स, स्ट्रेच और नॉर्मल, ठीक है, क्विक, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो क्विक रिकवरी ऑफ पल्स हमारी जो होगी वो नॉर्मल बहुत जल्दी आ जाती है, दैट विल बी द मेन। पर वो तभी होता है अगर हम डेली कोई भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो ये कुछ इसमें न्यू कैपिलरीज आपकी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। यही चीजें आपकी मेन इसमें आपको पता होना, टाइडल वाइटल कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी, साइज उसका हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इंटरकोस्टियल मसल जो हमारे होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, डायफ्राम हो गया, देन रिकवरी हमारी जो होती है वो क्विक हो जाती है, जो पल्स आपकी अपनी पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाती है, जो नॉर्मल जिसको हम पोजीशन बोलते हैं, व्हेन वी आर डूइंग एनी स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस। तो ये आपके सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज है। अगर हम एक्सरसाइज मीन्स कि हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये नहीं है कि हमने आज एक्सरसाइज की है उसके बाद हम हफ्ते बाद चले गए, ठीक है, फिर हम 15 दिन के पास चल गए, देन देर इज नो इफेक्ट, वो चीजें आपकी नॉर्मल ही रहेगी। और वेन एवर वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस, वहां पे भी बेटा क्या होता है, हम जो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग करके हम बीच में रुक जाते हैं,
वी स्टॉप देयर देन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट. ये भी आपको मैं बता दूं, रनिंग मीन्स कि आपकी जो एक जहां व्हेन यू फील फटीग, आप सोचते हो मैं थक गया हूं, उसके बाद भी आप अपनी वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, देन आपकी जो एफिशिएंसी होती है हर ऑर्गेन्स की वो इम्प्रूव होगी. ये नहीं कि जब आप व्हेन यू फील कि मैं थक गया हूँ, फटीग हो गई, यू स्टॉप द एक्टिविटी, देन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्ट ऑफ योर बॉडी. व्हेन यू फील फटीग, यू जस्ट कंटिन्यू दैट एक्टिविटी, देन देयर इज ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग यू इम्प्रूव डे बाय डे. एंड एक्सरसाइज मीन्स कि डेली, ये आपको पता होना चाहिए. एक्सरसाइज ये नहीं है कि आपने आज कर ली है फिर कल नहीं की फिर चले गए. इट शुड बी ऑन अ कंटिन्यूटी प्रोसेस. व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी ट्रेनिंग, दैट ट्रेनिंग इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी. एज अर्लियर वी हैव स्टडीड कि व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. स्पोर्ट्स स्टडी इज अ सिस्टमेटिक वेल प्लान लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी. ठीक है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है ये आपको तभी इस सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा. ये सारी चीजें आपको तभी काम होगी. अब इसी में बेटा आपका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेन आपका है, ये आपको स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, टाइडल वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, रिकवरी रेट फास्ट होती है. तो टाइम इज ओवर नाउ. इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस मस्कुलर, जो आपका मस्कुलर सिस्टम होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइजेस का.